नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। दरअसल एक बार फिर से अशोक खेमका सुर्खियों में है और इस बार एक बार फिर उनके ट्वीट ने पूरे महकमे में, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर सरकारी महकमा हो, हर जगह खलबली मचाता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से सरकार को कटघरे में उनके ट्वीट ने खड़ा कर दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए और समझिए कि पूरा मसला आखिर है क्या। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे को उजागर कर सुर्खियों में आए खेमका भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में समय समय पर अपना कड़ा रुख दिखाते रहते हैं और एक बार फिर से अशोक खेमका ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ट्वीट में खेमका ने किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिखा। खेमका ने ट्वीट में लिखा कि भ्रष्टाचार की रोकथाम वाले बिल को कमजोर करना कैसे सरकार में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। भ्रष्ट अब भी दंड मुक्त होकर अपना काम करते हैं। अशोक खेमका के इस ट्वीट ने सूबे की सियासत को गर्मा दिया है। इस बारे में जब राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खेमका को उस भ्रष्ट अधिकारी का नाम बताना चाहिए, बिना नाम लिए ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं है। खेमका के हर ट्वीट का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अशोक खेमका जी ने ट्वीट आपको पास आया, मैंने भी पढ़ा नहीं, परंतु यदि किसी का नाम लेके वो बात करेंगे तो उसके ऊपर जरूर चिंता की जाएगी। और वैसे ट्वीट करने का मतलब नहीं बनता। कोई पहला नहीं है जब भ्रष्टाचार लेकर अशोक खेमका ने अपनी बात रखी हो। इससे पहले का खेमका भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज रख चुके हैं। बीजेपी सरकार के सत्ता आने के महज 3 महीने बाद था जब उन्होंने कहा था कि विकास बार भ्रष्टाचार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार सत्ता की अभिव्यक्ति है जो अनुचित और गैर तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाता है। एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में खेमका ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट जनता टीवी। तो अशोक खेमका ने क्या ट्वीट किया वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार की रोकथाम वाले बिल को कमजोर करना कैसे सरकार में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। भ्रष्ट अब भी दंड मुक्त होकर अपना काम करते हैं। तो यही वो ट्वीट है जिसके जरिए प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की गई, और हालांकि सीधे तौर पर निशाना नहीं साधा लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इशारा जो है वो सरकार पर ही है। और यही वो ट्वीट है जिसके बाद सूबे की जो सियासत है वो गर्मा गई। बीजेपी सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था और ये भी ट्वीट भ्रष्टाचार को लेकर ही था, करप्शन को लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया था। यानी कि बीजेपी सरकार जैसे सत्ता में आई उसके 3 महीने के बाद ये ट्वीट था। विकास की बात कर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार सत्ता की अभिव्यक्ति है जो अनुचित और गैर मानवीय तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो ये वो ट्वीट है जो लगातार करप्शन को लेकर, चाहे सरकार किसी की भी हो, अशोक खेमका करते रहे हैं। यार अशोक खेमका तब सुर्खियों में आए थे जब लगातार उनका ट्रांसफर हो रहा था और आंकड़े भी सामने आए थे कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में उनका ट्रांसफर एक विभाग से दूसरे विभाग में किया जाता रहा। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात थी। तब भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक खेमका के समर्थन में उतरा करती थी और अशोक खेमका को सच्चाई का एक पुतला बताया करती थी। उसी अशोक खेमका ने अब भाजपा की सरकार में भी गले की एक फांस सी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने किरण बेदी को सुना, कृष्ण बेदी को आपने सुना। कृष्ण बेदी साफ तौर पर यहाँ पर यह कहते हुए नजर आए कि हर ट्वीट का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे सबसे पहले मिलवाते हैं आपको। महिपाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दलवीर धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दलजी। सबसे पहले महिपाल जी, आपका कमेंट इस पर चाहेंगे। अशोक खेमका कांग्रेस के वक्त में भी हमने देखा कि उनकी बातें, उनके ट्वीट्स इसी तरीके का बवाल मचाया करती थी और वो सिलसिला कमोबेश अब भी जारी है। दरअसल साकेत भाई, अशोक खेमका का ट्वीट जो किया गया है कि जो बिल, प्रपोज्ड बिल है जिसमें एंटी करप्शन के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करनी सरकार ने, उसको इस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें बहुत पुख्ता सबूत होंगे आदमी के पास, वही आदमी
तभी दूसरे किसी गिल्टी आदमी को वो सजा दिलवा सकता है, उससे उन लोगों के पास, क्योंकि आज के दिन सबूत इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। अभी अब आप दिल्ली का हिसाब किताब देख रहे होंगे कि जो कपिल मिश्रा है ने जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पे, उसके चूंकि वो तो कैबिनेट के अंदर बैठे थे तब जाके वो कुछ सबूत लेके आए हैं, और उसके ऊपर भी हो सकता है कि केंद्र सरकार का भी बर्दाश्त हो और सरकार फटाफट उसके ऊपर कार्रवाई कर रही हो। तो यहाँ जो खेमका जी ने मुद्दा उठाया है, जैसे वो पहले मुद्दे उठा चुके हैं हरियाणा में रहते हुए भी, सॉरी हरियाणा तो पहले अभी भी हैं, वो जब वो पिछली सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर भी, कि वे किस तरह से भूमि वाड्रा के टाइम पे एक जमीन है वो बिना लेन देन किए ही रातों रात एक बार CLU करवा दिया, वे 7 करोड़ की जमीन 3 महीने में 57 करोड़ की हो गई, उस पर ना इन्होंने जो उस पर रजिस्ट्री जो खर्चा होता है 5-6% का वो दिया, और उसी पर बिना लेन देन के कई गुना हो गई। तो और वो उस टाइम पर भी इन्होंने खमियाजा भुगतना पड़ा और वो साइड दाएं लगा दिए गए। वही बाद में जब ये वर्तमान सरकार आई और उनको लगा कि खेमका जो है वो सरकार सरकार वही होती है, उसमें कोई तरीका नहीं, अंतर नहीं आता, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो बीजेपी के चाहे किसी अन्य दल। चलिए बिल्कुल सरकार के अंदर महिपाल जी आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर संजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ अब इस चर्चा में शामिल हो गए हैं पंचकुला स्टूडियो से। डॉक्टर संजय शर्मा जी, आपसे सवाल ये है, किस तरीके से आप देख रहे हैं अशोक खेमका, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का ट्वीट करप्शन को लेकर उनकी ओर से किया गया है, इससे पहले भी हम और आप इस तरीके की ट्वीट जो है वो देखते आए हैं। नहीं, वो खेमका जी क्या कह रहे हैं, उनकी मन की भावना क्या है वो ट्वीट में उन्होंने व्यक्त की है, लेकिन ऐसे ही कोई ट्वीट कर देना बिना किसी का नाम लिए या बिना कोई बात कहे या कोई स्पेसिफिक उदाहरण दिए, तो मुझे लगता है इस ट्वीट का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है और हमारी सरकार जिस नीति के ऊपर काम कर रही है वो नीति एक ही है, पारदर्शी प्रशासन, वो नीति एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी से प्रशासन जी। और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री शर्मा जी, अभी तक जितना काम 2.5 साल में 2 साल 7 महीने में हुआ है, संजय शर्मा जी एक सवाल जो बातें आप कह रहे हैं उसको 2019 के लिए बचाइए, थोड़ा सा चुनावी जब दौरे पर जाएंगे तब वो अच्छा लगेगा सुनने में। सवाल आपसे मेरा ये कि क्या IAS अशोक खेमका आपकी नजर में, आपकी सरकार की नजर में एक ईमानदार ऑफिसर है? केवल अशोक खेमका नहीं, हमारी सरकार में और भी बहुत से ऐसे आज चर्चा का विषय बाकी सारे IAS या IPS ऑफिसर्स नहीं है, आज चर्चा का विषय और केंद्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशोक खेमका है, इसलिए अशोक खेमका को लेकर सीधा सवाल है, क्या आपकी नजर में वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं? साकेत जी बिल्कुल ईमानदार अफसर है, तो अगर एक ईमानदार अफसर है तो फिर उसके ट्वीट का औचित्य क्यों नहीं है? और भी लोग ईमानदार है, उसके ट्वीट का इतने उचित नहीं है कि कोई भी बात हवा में फेंक देना, उससे तो कोई बात नहीं बनती ना। फिर ईमानदार कैसे हो गए अगर वो हवा में बात फेंकते हैं तो? स्पेसिफिक बात उनके पास है, तो आप खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं वो ईमानदार है और जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो हवा में यूं ही बातें नहीं करेगा। सर, इसको तो अशोक खेमका को तो आप बीजेपी में शामिल करने वाले थे 2014 चुनाव से पहले, आपने तो ये कहा था कि कांग्रेस पर जब इन्होंने आरोप लगाए थे उस समय की सरकार पर कि छोड़िए आप अधिकारी पद अपना और आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए, फिर वो शख्स जब आपके खिलाफ अब बोलने लग गया तो फिर उस शख्स से उस अधिकारी से आपको दिक्कत होने लग गई। नाम लिया था उन्होंने, कहा था नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारे अधिकारी हमारे सामने स्पेसिफिक चीजें लेकर के आए ना। जब एंटी करप्शन कोई एक्ट बना हुआ है उस एंटी करप्शन एक्ट के तहत लोगों को सजाएं भी हुई हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, हम अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक लेकर आए, वो जिस स्तर पर बैठे हैं जितने बड़े सीनियर अधिकारी हैं वो। संजय जी क्या आप बता पाएंगे, बिल्कुल संजय जी क्या आप बता पाएंगे कि 2.5 साल के कार्यकाल में किन किन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है और कौन कौन वो लोग हैं, एक दो नाम अगर आप बता पाए? नहीं चल रहा है ना, अब आप देखिए कि हुड्डा साहब के यहाँ CBI के अगर छापे पड़ रहे हैं, ED के अगर छापे पड़ रहे हैं या और अधिकारी जो उस समय के उनके समय के थे उन्होंने जो कुछ भी किया, और अभी आपने ताजा उदाहरण देखा होगा कि 5 IAS के खिलाफ FIR लॉज हुई है मनरेगा घोटाले के अंदर, उससे पहले कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, आपने सर, देखा होगा कि जो आरोप लगाए सर उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी। सवाल उठाना सबका अधिकार नहीं, लोकायुक्त को
लोकायुक्त कोर्ट को उसमें सिफारिश करनी पड़ी है, आप ये बात कैसे कह रहे हैं? आप सरकार का तो कोई रोल ही नहीं उसमें, डीजीपी विजिलेंस ने उनके खिलाफ कार्रवाई, जब डीजीपी विजिलेंस ने उनके खिलाफ दे दिया था, जब डीजीपी विजिलेंस के खिलाफ कार्रवाई ऑर्डर कर दिए थे, तो उसके बाद ढाई साल क्यों लग गए? प्रूफ के साथ जाता है और वहां पर अगर कोई केस पेंडिंग होता है तो वहीं से तो आएगी ना, वहां से जब उनका दलबीर धनखड़ को चर्चा में जोड़ आधार पर जो रिपोर्ट भाई उसके दलबीर जी आपका पहला रिएक्शन है ट्वीट को लेकर और बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर? साकेत जी धन्यवाद। साकेत जी मैं तो टेक्निकल आदमी हूं, मैं टेक्निकल बात इसमें बताऊंगा। जो ट्वीट में जो साफ लिखा है वो टेक्निकल बात ये है, भ्रष्ट अब भी दंड मुक्त होकर अपना काम कर रहे हैं, यानी अभी कुछ नहीं बदला है। उनका टेक्निकल बात यह है जो पहले चल रहा था पुरानी सरकार में वही अब चल रहा है। इससे पुराना इनका जो ट्वीट था वो आपने दिखाया, मैं एक बार दोहरा दूं उसको, विकास की बात कर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आप उन्होंने इनको इन आरोप लगाया सरकार पर, आप विकास की बातें कर रहे हो, भ्रष्टाचार नहीं रुके आपसे। नंबर एक, साकेत जी जैसा कि आपने बताया, मेरे मित्र आपको ध्यान होगा संजय शर्मा जी को भी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से जब कांग्रेस का शासन था तब इनके बराबर तबादले हो रहे थे, जिस सीट पर बैठे थे मोटेशन उन्होंने कैंसिल की थी, तो डिबेटें चली थी हर चैनल पे, नेशनल और रीजनल चैनलों पे हम डिबेटों में गए थे, शर्मा जी को शायद याद हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं शर्मा जी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जब हम वाई क्यों लूटना चाह रहे थे कांग्रेस जो है कि ईमानदार अफसर को क्यों अपनी सीट से हटा रही है? नंबर एक, जैसे ही उस समय बदलियां उनकी आपको याद होगा, आपकी केंद्र माज मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी, जैसे हमारी सरकार आएगी दामाद जी जेल में जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। उमा भारती जी की बात कर रहा हूं सर मैं, ये बात कही गई थी। मैं आपको ऐसे घने सारे उदाहरण बता दूंगा। अब आप कर रहे ये गवर्नमेंट इंप्लाइज हैं, गवर्नमेंट इंप्लाइज गवर्नमेंट का ही एक जो सरकार चल रही उन्हीं का एक हिस्सा होते हैं, वो कोई बात कह रहे हैं, कोई ना कोई जिम्मेवार आदमी, कोई ना कोई वजह तो है। क्या आपने जैसे आपकी सरकार आई उसी पद पर उनको बैठाया जहां से उन्होंने मोटेशन कैंसिल की थी? जब भी आप बात करते थे, चाहे अशोक खेमका जी भी हो, प्रदीप कासनी भी हो, जब भी कांग्रेस में दो आदमियों की बात होती थी आप झंडा उठा लेते थे, हम भी झंडा उठा लेते थे, दोनों ईमानदार आदमियों को तंग किया जा रहा है, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी जगह अगर आप दोबारा बटाते जहां मोटेशन उन्होंने कैंसिल की थी तो आपकी नीयत साफ हो जाती। इसका मतलब आपने जब उनको वहां नहीं बैठाया तो आपकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें मैं बताता हूं, ये तो खेमका जी की है। आपकी सरकार में आपके सांसद आपके विधायक, तीन दिन पहले आपको ध्यान होगा अश्विनी चोपड़ा जी ने साफ शब्दों में कहा रामविलास शर्मा बेईमान है, और रामविलास शर्मा ने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा। ये सरकार चला रहे हो, क्या कर रहे हो? अपोजिशन की बातें नहीं है ये, आपकी सरकार के सांसद हैं, आपकी सरकार के मंत्री हैं, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, एक कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, ये अच्छा मतलब संकेत नहीं है सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल महिपाल जी, लेकिन ट्वीट यहां पर किया है खेमका ने, ठीक है अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन अब बीजेपी की ओर से मांग ये की जा रही है, मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने भी कहा है, उनका कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई अधिकारी भ्रष्ट है, आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसका नाम बताइए, नाम बताने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं इस बारे में बेदी जी की बात को आधी बात से सहमत हूं कि वाकई ये बात ठीक है कि किसी अधिकारी का नाम बताना चाहिए या उसकी तरफ इंडिकेट करना चाहिए, परंतु खेम का जो पहले कोई बात उठाया करते थे यही भारतीय जनता पार्टी थी, उनके हर मुद्दे को हाथों हाथ लिया करती, तो वही बात है ना, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। तो ये जो उस समय पर जो खेमका जो बात कहते थे वो बहुत अच्छी बातें कहते थे, आज वो ही खेमका अगर कोई बात कहते थे तो उनका जवाब देना सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, ये बहुत गैर जिम्मेवाराना बात है। इसके बजाय मैं चाहता था कि बेदी जी ये बात कहते कि भाई हम इंक्वायरी कराएंगे, कौन अधिकारी हैं, किन की तरफ उनका ऐसा आ रहा है, खेमका जी से भी पूछताछ की जाएगी कि भाई आप जरा स्पेसिफिक बात करिए, बताइए किसकी तरफ आपका ऐसा आ रहा है, कौन सा वो मुद्दा है। बेसिकली उन्होंने किसी व्यक्ति की बजाय, जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो एंटी करप्शन बिल के ऊपर उन्होंने बात उठाई है कि उससे ये जो करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जो जज्बा है वो कमजोर होगा, मैं समझता हूँ कि ज्यादा खेमका जी का ध्यान उसकी तरफ है। जहां तक व्यक्तिगत तो उसका बात है कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है या नहीं है, ये देखना सरकार के पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है और भी दूसरे विभाग हैं, डिपार्टमेंटल विजिलेंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार का काम है देखना कि अगर कोई बात उठती है, कहीं धुआं उठता है तो आग कहीं कहीं लगी हुई तो है ही है, तो सरकार का उनका फर्ज बनता है, बेदी जी का फर्ज बनता था ये कहना कि हाँ हम जांच कराएंगे
और खेमका जी से भी पूछताछ करेंगे कि भाई आपका इशारा किसकी तरफ है, आपके पास अगर कोई चीजें हैं, किसी का नाम है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें दीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम पाक साफ होकर निकलने का प्रयास करेंगे कि ताकि सरकार की तरफ उंगलियां ना उठें। आज सरकार की तरफ अकेले वो नहीं, जैसे अभी भी धनखड़ जी कह रहे थे, अश्विनी मिन्ना ने भी कहा, उससे पहले उमेश अग्रवाल ने सीधे वो आरोप लगाए, उससे पहले एक सीडी घूम रही थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और एक मंत्री नायब सिंह सैनी उनके बारे में कि वो उन्होंने कोई किसी माइनिंग के मामले में कोई बहुत सारी बातें आगे आई थी, वो पता नहीं फिर कहाँ गुम होगी, बातें घूम जाती हैं। तो ये जो चीज है ना कि बातें ना गुम हो लोगों के सामने, भी पारदर्शिता की बात करते हैं डॉक्टर संजय शर्मा, तो पारदर्शिता की बात भी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ भी होना दिखना चाहिए, तो ये बात है कि ईमानदारी होनी भी चाहिए और जनता के समक्ष ईमानदारी का एक एहसास भी होना चाहिए। लौट रहा हूँ आपके पास संजय शर्मा जी, सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अशोक खेमका ने ये आवाज उठाई है और एक शब्द होता है स्वतः संज्ञान लेना, अदालत भी लेती है, पुलिस वाले भी लेते हैं, सरकार को भी लेना चाहिए, अगर इस तरह की बातें आई हैं, ठीक है अशोक खेमका ने का नाम का जिक्र नहीं किया, हो सकता है कुछ सोचकर ही के ही नाम का जिक्र नहीं किया होगा उन्होंने, क्या सरकार स्वतः संज्ञान लेगी इस पूरे मामले में और कदम सरकार की तरफ से आगे उठेंगे बढ़ेंगे और इस पूरे मामले में अशोक खेमका से ही बातचीत की जाएगी कि आप इंगित तो कीजिए, बताइए तो सही। साकेत जी, मैं महिपाल जी की बात का समर्थन करता हूँ, महिपाल जी ने जो कुछ कहा है, क्योंकि अशोक खेम का सरकार का एक हिस्सा है, वो सरकार से बाहर नहीं है, सरकार के किसी बाहर के व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है, वो सरकार का हिस्सा है और उनका दायित्व बनता है, अगर उन्होंने ये विषय कोई उठाया है तो उनका दायित्व बनता है कि अपने को सीनियर ऑफिसियल जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हमारे अन्य भी ऑफिसर्स है, उन पर नाम बता सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हर जगह उपलब्ध हैं, वो उनको बता सकते हैं। अगर उन्होंने पहले एक नाम उठाया था, जब हम भी विपक्ष में थे और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जो म्यूटेशन हुई है वो गलत हुई है, और उन्होंने देश की जो उस समय की मुखिया थी एक तरह से सोनिया गांधी के दामाद का नाम लिया था, तो अभी भी उनको क्या शर्म है नाम लेने में, अगर वो इतने ईमानदार है। देखिए जो अशोक खेमका कह रहे हैं, उनके मुंह जो बात वो कह रहे थे, अगर म्यूटेशन गलत है, अशोक खेमका ने भी ये कहा था, आपने उसको सही माना था कि हाँ ठीक है ये जो हुआ गलत हुआ, आप जब आए सरकार पे उसी पद पर वापस लाते, आपने भी कौन सा तबादला उनका रोका है, आप भी तो उनका लगातार तबादला कर रहे हैं। नहीं ऐसा, देखो तबादला करना ना करना है मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, जहां उस समय हुड्डा जी का विशेष अधिकार था, फिर वो जरूरत होती है उस समय भी कांग्रेस सरकार का विशेष अधिकार था, पूर्व मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार था। संजय जी, अंतर क्या रह गया, अंतर क्या रह गया, आपकी पारदर्शिता और उनकी पारदर्शिता में अंतर कहां है, जिस तरीके से संजय जी का कहना है कि जब वाड्रा डीएलएफ को लेकर जो उजागर किया था खेमका ने, उस वक्त बीजेपी की ओर से किसी तरीके सबूत की मांग नहीं की जा रही थी, पूरी तरीके से वो समर्थन उसका कर रहे थे और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी 2014 के विधानसभा चुनाव में, इसका भी जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौट रहे हैं।